फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल राजेश ठक्कर शॉर्ट्स। तो आज के दिन मैं ना आपको थोड़ा सा धमाल करने वाली हूँ। चलो चुप हो गए। हाँ, तो आज के वीडियो में मैं क्या करने वाली हूँ, आपको अपने जो कि बुक्स है मतलब ड्राइंग के वो बताने वाली, यानी कि ड्राइंग से बताने वाली। तो ये किधर गई? हाँ, ये मेरी पहुँच बुक। मैं आपको फटाफट से 6-7 मिनट के अंदर सारे ड्राइंग्स बता देती हूँ। सबसे पहले मेरी फर्स्ट ड्राइंग का बेसिक्स है, क्या बेसिक्स है, यानी कि एक जोकर कैप और ये गिफ्ट बॉक्स है। एंड नेक्स्ट, उसके अगले दिन ही 14 जनवरी था, तो उसके लिए मैंने 14 जनवरी के लिए एक प्यारी सी काइट बनाई है। एंड थर्ड ड्राइंग शेडिंग। अगर हम 14 जनवरी के लिए काइट फ्लाइंग और बेसिक्स बना रहे हैं तो जैसे शेडिंग तो बनता है। तो ये देखिए मेरी शेडिंग, यानी कि सनसेट की शेडिंग है और यहाँ पे क्यूट सा हाउस है। एंड नेक्स्ट शिप, इसका मुझे पायलट का कलर और ये जो है उसका कलर करना बाकी है, तो मैं कर दूँ जो आपको बता। नेक्स्ट है ये फ्लावर पॉट, क्यूट है ना, ये मैंने बनाया और इसकी डिज़ाइन मैंने खुद डिज़ाइन करके अपने अपने कलर्स से किया है। डिज़ाइन क्यूट है, मुझे बहुत पसंद है। और अगर हम फ्लावर पॉट और ये सब बना ही रहे तो ये तो बनता है ना मंडाला आर्ट। देखो मुझे मंडाला आर्ट इतने पसंद और डूडल भी इतना पसंद है कि आप बात मत पूछो। डूडल आइए सबर रखो, डूडल तो मैंने दो दो की है। ये है क्लाउन, यानी कि जोकर, मतलब मेरी फ्रेंड का नाम जे से स्टार्ट होता है तो मैंने उसको ये रखा है जोकर। मैंने उसका नाम जोकर रखा है क्योंकि वो उसका नाम जे से स्टार्ट होता है। एंड अगर हम इतना सब बना रहे तो रियलिस्टिक बनानास, फ्रूट्स ये सब तो बना देते, तो ये है रियलिस्टिक बनानास। अगर आपको मेरे हार्डवर्क को सपोर्ट करना है तो नीचे लगे हुए रेड सब्सक्राइब बटन को जल्दी जाके दबा दो, बस छेड़ना मत। मैं वेट कर रही हूँ, मैं 5 काउंट कर रही हूँ, आप जल्दी जाके सब्सक्राइब करो। नहीं किया तो जल्दी करो, मैं 5 काउंट कर रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। आपका टाइम ख़त्म होता है एंड मुझे पता है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया, बस उसे छेड़ना मत। ओके, ये रियलिस्टिक बनाना मुझे बहुत पसंद है, एकदम रियलिस्टिक लगते हैं। एंड मुझे तो ये वाला ड्राइंग फिश टैंक है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये प्रिंट करवाया है, पर ये असल में मैंने खुद बनाया है, मुझे बहुत पसंद है। मेरी ड्राइंग बुक होती है ख़त्म। अब मैं आपको बताती हूँ अपनी सेकेंड बुक, तो नेक्स्ट ड्राइंग बताते हैं जो कि है पाइन एप्पल्स। अगर हमने बनाया फ्रूट से बना रहे तो पाइन एप्पल तो बनता ही है ना, ठीक है। तो अभी ये खाली नेक्स्ट है ये जिराफ। अगर हम इतने सारे फ्रूट्स, बेसिक्स, क्लाउन ये सब बना रहे हैं तो हम फ्रूट्स तो फ्रूट्स नहीं एनिमल्स तो बनाएंगे ही ना, तो मैंने एनिमल बनाया जी। नेक्स्ट मैंने बनाया है एलिफेंट, क्योंकि मुझे क्यूट लगता है, मतलब एकदम रियलिस्टिक ग्राउंड के साथ एकदम मस्त, बहुत अमेजिंग लग रहा है। एंड ये कौन सा है? अच्छा, टूटल है, टूटल टोटल उसे नहीं बोलते, मैं तो उसे टोटल भी बोलती हूँ, मतलब दो अलग अलग नाम थे, टोटल टोटल नहीं टूटल टोटियल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्यूटियल। तो ये सब छोड़ो जल्दी जाओ। तो नेक्स्ट है मेरा और सब लोगों का फेवरेट यूनिकॉर्न। मुझे यूनिकॉर्न इतने पसंद है कि आप बात ना पूछो, मेरे घर पे आप देखो ना सारी यूनिकॉर्न की चीज़ें। अगर आपको मेरी यूनिकॉर्न की चीज़ें देखनी है तो जब भी मेरे इसमें थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ, अगर जब मेरे 50 सब्सक्राइबर्स होंगे तभी ही मैं आपके लिए क्या बोलते हो अपने यूनिकॉर्न की चीज़ें बताऊँगी, जब मेरे 70 होंगे। ओके, ठीक है, तो ये यूनिकॉर्न। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, पैरट है। इसके बाद वाला ना मैं गेस करूँगी बिना देखे, ठीक है।
ये देखिए क्यूट सा पैरट है, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर के होते हैं पर कलरफुल। ओके अभी मेरा ध्यान नहीं है क्या है। मुझे वो याद नहीं आ रहा है, टोर्टोइस वो तो हो गया है। तो मैंने एक शॉर्ट बनाया था जिसमें वो एग्ज़ाम पेपर वाला था, पतला सा था और वाइट कलर का था, उसमें भी एक किटन आई थी, तो वो किटन ये है और उनकी मम्मी। तो मैंने इसलिए तो मैम से, मैम क्या मतलब क्या बोलते हैं, जिद करके नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं, मैंने ये बनाया है कैट किटन। और अगर हम इतना पेंसिल शेडिंग कर रहे हैं, एनिमल्स बना रहे हैं, फ्रूट्स बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, तो हमें पेंटिंग तो बनती है। तो ये देखिए मैंने बनाई है पेंटिंग, वो भी लैम की, और ये मुझे बहुत अच्छा लगे, और मुझे इसके कलर्स एकदम ब्राइट और अच्छे लगते हैं, नीचे के ग्रीन, पिंक, येलो, सब मुझे बहुत अच्छे कलर्स लगते हैं इसके। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हमने क्या बनाया है, फटाफट क्रैप्स, क्योंकि ये ना मुझे सबसे ईजी मतलब बनाने में सबसे ईजी, और ये मैंगो है यानी कि वेस्ट ऑफ वेज है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक मैंगो बना लिया। नेक्स्ट मैंने असल बोलती तो बहुत सारे फ्रूट्स सीखे हैं, जैसे कि एप्पल, पाइनएप्पल, पेरू, मैंगो, बनाना और ग्रेप्स, पर वो सब ये ना इसी बुक में थे या फिर कोई और बुक में, वो ना उसके पेजेस फट गए, इसलिए मैंने अभी लिए ये बनाया है। ये सब फ्रूट सीखे हैं अभी तक, पर ये उनके पेजेस ना फट गए अभी तक, तो मैंने आपको सिर्फ ये तीनों ही बताया, नहीं ये चारों। तो मैंने पाइनएप्पल बताया था क्या आपको? ओ पेज ख़त्म, मुझे क्यों लगता है कि मैंने आपको पाइनएप्पल नहीं बताया। चलो बता देती हूँ, ये मेरा पाइनएप्पल, जिराफ, एलिफेंट, वो सब तो आपने देखी। एंड अभी है मेरी लास्ट एंड फाइनल बुक, चलिए अभी मैं आपको बता दूँ। इसमें मैंने डूडल्स भी किया, वो भी दो दो एक्साइटेड होना डूडल्स देखने के लिए। तो अगर हम इतना सब कुछ बना रहे तो वेजिटेबल क्यों नहीं बना रहे? तो मैंने बनाया है पम्पकिन, जो कि सबको बिल्कुल पसंद नहीं होता, पर हमारे घर पे हमेशा हर शाम को कद्दू 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 ही बनता है, और कद्दू ने तो हमारी लाइफ ख़राब कर दी है। नेक्स्ट ये पटेटोज एंड ऑनियन, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं बनाए, तो मैं आपको मैंने बता दूँगी। और आपका फेवरेट गूगल हाजल है, ये पहला डूडल है, मैंने अपनी डिज़ाइन खुद मतलब डिसाइड किया है। ये कैसा लगा आपको मेरा डूडल? मुझे तो ना बहुत अच्छा लगा मुझे डूडल, ये देखिए, और ये वाला मतलब डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, पर अभी तक ये अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, मैं जल्दी से कंप्लीट कर दूँगी एंड नेक्स्ट। और ये ना मैंने कैसे ही टाइम पास के लिए कर दिया, पर मुझे ना सच बोलूँ तो बहुत अच्छा लगा ये, और मैंने ना ऊपर ब्लैक का किया और नीचे का कलरफुल से किया है। एंड फिर मैंने सोचा कि दिसंबर आ गया है, दिसंबर महीना आ गया है, तो हम कुछ सांता क्लॉसेस या क्रिसमस ट्रीज वैसे बनाए। तो मैंने मैम को बोला, मैम को नहीं मतलब हाँ, ये सब मैंने ड्राइंग क्लास में सीखे है, अगर आपको चाहिए कि मैं भी आपको ऐसे ड्राइंग सिखाऊँ तो मुझे जल्दी जाके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या बोल रही थी, ये बोल रही थी कि तो मैम ने मुझे बोला, मतलब मैंने मैम को बोला कि हम सांता क्लॉस बनाते हैं, तो मैम ने बोला कि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ थोड़ा अच्छे क्रिसमस ट्रीज के साथ बना देते हैं। तो मैंने बनाया ये सांता क्लॉस हो गया, क्रिसमस ट्री, ये हाउस। और आप में ना जल्दी जाके मुझे लाइक करके बता दो कि आपको इन तीन में से कौन सा हाउस अच्छा लगा, ठीक है? उसके बाद अगर आपको मैजिक ट्रिक्स और ये सब देखना है तो मुझे बता दो। एंड अब जल्दी जाके मेरी वीडियो को लाइक करो, और नीचे वाला सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया। एंड नेक्स्ट मैंने बनाया है एक फ्लेमिंगो, उसके बैकग्राउंड में मैंने अलग अलग ग्रीन कलर्स के मदद से किए हैं, क्योंकि मुझे ना अलग अलग ग्रीन पसंद। और नेक्स्ट है मेरा
फेवरेट ड्राइंग जो कि मुझे बहुत पसंद है, मेरी मैम ड्राइंग क्लास में थी, मैम ने शिट में गिरने वाली थी, तो मेरी मैम ने ना गूगल में से ये ड्राइंग बता के और मैंने उसे कॉपी करके कर लिया और एकदम सेम लगता है, मुझे बहुत क्यूट लगता है ये वाला ड्राइंग। इसमें थोड़ा सा डूडल जैसा भी हो जाता है और बनी भी हो जाता है क्योंकि मुझे क्यूट बहुत पसंद है। और ये ना मेरा इनकम्प्लीट है तो मैं कंप्लीट कर दूँगी इसे इसे लिए। और नेक्स्ट फिर आ गया है रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे पे कुछ तो बनता है ना, तो रिपब्लिक डे के मैंने बनाया है डूडल। कैसा लगा आपको, यहाँ पे मैंने बार बार पूरा डूडल किया है एंड अंदर मैंने यहाँ पे झंडा बनाया है अपना, लाइफ मतलब इंडिया का। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक बॉल बनाया है जो कि ऐसे कर रहा है, और ये था मेरा लास्ट ड्राइंग और भी ड्राइंग लास्ट। और अगर आपको लग रहा हूँ कि इतने ही ड्राइंग्स है तो गाइस मैं बोलूँ तो इतने ड्राइंग्स नहीं है, अभी मेरी लास्ट एंड फाइनल नोटबुक बाकी है। अगर आपको देखना है तो जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जब भी मेरे चैनल के 48 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तभी मैं आपको अपनी दूसरी ड्राइंग बुक का मतलब ड्राइंग बुक्स का क्या बोलते हो उसे, हाँ बताऊँगी ड्राइंग। बाय।